आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के पोस्ट लॉकडाउन। जी हाँ, फ्रीडम डे के बाद फ्रीडम डे क्या जो लॉकडाउन वर्जन 2.0। और जी हाँ, ये भी एक प्रकार का जुगाड़ प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन गाने तो वैसे ही है, इतने गाने मधुर मधुर गाने तो वैसे के वैसे ही हैं। सचिन दा के लास्टिंग मेमोरीज, एवरलास्टिंग मेमोरीज, फूल गेंदवाना मारो। अभी ये इसके बाद और भी बहुत सारे गाने हमारे आज अमोद, जैसे मैंने कहा था, ही इज एन एक्सपर्ट, इतने सारे डिटेल्स लेके आए हैं और इतने सारे बातें हैं उनके अबाउट द हिस्ट्री बिहाइंड ईच सॉन्ग, अबाउट उसमें कौन सा राग है, कौन सा उसके पीछे क्या कहानी है, उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रिविया लेके आए हैं आज के प्रोग्राम में। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि स्टूडियो का कुछ बहुत सारे यहाँ के इतने टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल इसके बीच हमने कोशिश किया कि आपको कुछ ना कुछ तो सुनाए। जी जी जी, देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट यू ऑल्सो नेवर नो व्हाट इवेंट्स आर गोइंग टू ट्रांसपायर टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ इट। एंड इन स्पाइट ऑफ इंडिया में इतनी मूवीज बनते हैं, बनाए हैं, और इतनी सारे एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस एंड म्यूजिशियंस इतने काम के, फिर भी दे मैनेज टू पुश आउट द प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली, देखो ऐसा है कि वी हैड टू अल्टीमेटली रिलाय ऑन आवर गट इंस्टिंक्ट्स। जी हाँ, इसके लिए कोई डिग्री नहीं है, इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है।
तो वी हैव टू इम्प्रोवाइज जैसे लाइफ में करते हो. अभी आ गए यहाँ पे स्टूडियो में, तकनीक खराबी थी तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे कि नहीं चलेगा, नहीं आई विल प्ले सम रिकॉर्डेड प्रोग्राम. जैसे भी है वी ट्राई टू मेक थिंग्स वर्क. और इसमें टेल अस हाउ सचिन दा मेड थिंग्स वर्क. सचिन दा वाज अ जीनियस. ही म्यूजिक वाज हिज लाइफ. जैसे मैंने पहले कहा था, म्यूजिक इज लाइफ, इट परवेड्स द सोल एंड फैब्रिक ऑफ इंडिया. जैसे कहते हैं ना, जीवन पूरा उन्होंने समर्पित किया था गाने के लिए. स्ट्रिक्ट, ही वॉज टेम्परमेंटल, ही वॉज एक्सेंट्रिक. अच्छा. बट ही वॉज वेरी लविंग ऑल्सो. जैसे किशोर कुमार के साथ ही ट्रीटेड हिम लाइक हिज ओन सन. और उनका एक था कि ही वॉज ऑलवेज इमैक्युलेटली ड्रेस्ड, बी स्पेक्टिकल्ड, वाइट धोती, क्रिस्प स्टार्च्ड कुर्ता एंड शॉल. और पान खाते थे. Okay. और अगर कुछ पसंद आए किसी को तो पान खिलाते थे. तो ये उनकी एक खासियत थी. वेरी जेंटल सोल, वेरी माइल्ड मैनर्ड पर्सन, बट जीनियस. देखो, इट इज सेड दैट म्यूजिशियंस आर टेम्परामेंटल, बट दैट इज प्रोबेबली बिकॉज उनकी जो शिक्षा हुई है गाने में, क्लासिकल में, जिसमें तो इट ट्रेन्स देयर माइंड टू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे. मैंने पहले कहा था कि 57 साल में उनकी लता मंगेशकर के साथ कुछ अनबन हुई थी, दे फेल आउट. उसके बाद ही ऑलवेज ही एम्प्लॉयड आशा भोसले, हू लेटर बिकेम हिज बहु, डॉटर इन लॉ थ्रू ऑफ कोर्स एसोसिएशन विद हिज सन राहुल देव बर्मन. तो अगला गाना जो है फिल्म 9/11 1957 में आई थी, उसका बजाएंगे. लेकिन ये वो फेमस जो गाना है 9/11 का, आंखों में क्या जी पहला बादल, वो नहीं, ये दूसरा है. लेकिन नहीं, जैसे मैंने कहा था, आपने आज ऐसे ऐसे गाने चुन के लाए हैं जो शायद कभी लोग सुने नहीं, हम तो कभी बजाए नहीं. हाँ, ये कहते हैं ना कि ऑल टाइम पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ साइड बी. अच्छा. जैसे रिकॉर्ड होती है एलपी वाइनल, इसकी ए साइड होती है, साइड वन एंड साइड बी, वो साइड टू होती है. तो साइड बी पे जनरली द लेस पॉपुलर सॉन्ग्स आर रिकॉर्डेड. आई डिडंट इवन नो दैट. ऐसा भी एक टेक्निक होता है. तो साइड ए पे लोग पहले बजाते हैं और वही गाना ज्यादा, मतलब वही साइड ज्यादा बजती है. तो मेरे पास भी काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें मैंने ऐसी काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं जिसकी मैंने साइड बी अब तक सुनी नहीं है या बहुत कम बारी सुनी है. यानी आप मेंटली कंडीशन है कि निकालते हैं पहले साइड ए ही बजाएं. हाँ, क्योंकि देखो ना, स्कूल में या कॉलेज में ग्रेड ए इज़ बेटर देन ग्रेड बी. तो नॉट ऑलवेज, बट ये ऐसा है. तो चलिए, ये गाना है 9/11 पिक्चर से, अगेन pictureized on the very sublimely gorgeous Kalpana Karthik, who became Devanand Saab's wife. This is Devanand. Her real name was Mona Singh. Okay. By the way, to chaliye ye gana sunte hain, Dhalti Jaye Chundariya. Ah.
श्रोता आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के बैक आफ्टर लॉकडाउन फ्रॉम द स्टूडियो. अभी आपने जो गाना सुना, जितने भी गाने आप सुने सब सचिन देव बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन पे लिए गए बनाए गए गाने हैं. बहुत प्यारे गाने हैं और आज का इस स्पेशल प्रोग्राम क्यों इसलिए लाए हैं क्योंकि ऑफकोर्स इट इज़ द एनिवर्सरी ऑफ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सचिन दा. और वैसे हमारे बहुत सारे जैसे कहा तकनीकी खराबियाँ हैं स्टूडियो में, फिर भी हम प्रोग्राम ला रहे हैं. अगर आप सुन रहे हैं तो हमें आप स्टूडियो पे फ़ोन कर सकते हैं 6287-4348 पर. जी हाँ, सामने एक फ़ोन है, लग रहा है कि फ़ोन जैसे लग रहा है लेकिन बजने चाहिए. बहुत सारे चीज़ें यहाँ काम नहीं कर रहे हैं बट ज़रूर वी वुड अप्रिशिएट इफ़ यूड गिव अस अ कॉल ऑन 6287-4348 एंड टेल अस व्हाट यू फील द वेदर योर You can listen to the program. कैसे लग रहा है? बहुत सारे गाने हैं हमारे आरजे अमोद द सुपरस्टार ऑफ आरजे से पीजे हो गए तो ये गाना था चुंदरिया. क्या होता है? मैंने चुनरिया सुना है. वही वही चुनरी. अच्छा, डलती जाए चुंदरिया हमार हो रामा. बहुत सुंदर गाना था ये. जब मैंने पहली सुना था तो मैंने कहा ये मैंने हमने सुना क्यों नहीं पहली बार. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल नंबर. यू गॉट अ लॉट ऑफ साइड बीज टू कैच अप विद. एब्सोल्युटली साइड बीज. तो चलिए देखिए, दादा बर्मन ने, आई डोंट नो इफ यू नो दिस बट ये मैंने कहीं पढ़ा था कि सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन वॉज केप्ट आफ्टर. ओके, बिकॉज उनके फादर सचिन देव बर्मन के बड़े फैन थे. क्या तो आई डिडंट नो दिस. अभी इसमें सही है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन वी कैन एक्सेप्ट इट. सचिन रमेश तेंदुलकर हैज ऑलवेज सेड दैट ही इज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय हिंदी म्यूजिक, हिंदी फिल्म म्यूजिक. और जब भी वो पवेलियन में बैठते हैं ही ऑलवेज कीप्स लिसनिंग टू ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स. और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया इज वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स. तो ही रिलैक्सेस बाय लिसनिंग टू हिंदी फिल्म म्यूजिक. जी जी जी. तो अब देखिए, जिंदगी का साथ निभाना सबको पड़ता है. ओके, जैसे हम कर रहे हैं अभी. हां हां, अब स्टूडियो का साथ निभा रहे हैं. तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ये जो काला पानी पिक्चर आई थी 1958 में, अगेन ये एक अंग्रेजी नॉवल है, बियॉन्ड दिस प्लेस बाय एन ऑथर कॉल्ड एजे क्रोनन. 53 में ये नॉवल आई थी, इसके ऊपर ही आधारित है पिक्चर काला पानी. 58 में पिक्चर आई थी. तो उसमें एक गाना था हमने बहुत बजाया, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए. देवानंद साहब पे पिक्चर. देवानंद का क्या एजे क्रोनन से कुछ कनेक्शन था कि बहुत सारे उन्होंने और एक पिक्चर भी बनाई थी देवानंद ने, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे उसके बारे में. और जैसे मैंने 50s में एसोसिएशन विद देवानंद एंड गुरुदत्त, लेकिन गुरुदत्त साहब ने जो पिक्चर बनाई थी उसमें भी देवानंद थे. जैसे हाउस नंबर 44 या फंटूश, इसने हमने बात की. तो ये गाना जो है वही काला पानी पिक्चर से है. ये खमाज की ठुमरी है, लेकिन ये खमाज की ठुमरी ऐसी है कि इट इज़ क्लासिकल बट I'm just saying it for the sake of saying it for people know about it. लोगों ने इस गाने का आनंद किसी और चीज़ के लिए लेना है. हाँ, क्योंकि नहीं, गाने के बोल, गाने की धुन, जिस पे फिल्माया गया, जिस सिचुएशन में फिल्माया गया है, और 58 से लेके 2021 तक 70 odd ईयर्स आज भी हम सुन रहे हैं. आज संडे है, आज सन भी है, डे भी है, तो उसमें हम सुन रहे हैं. तो चलिए ये गाना सुनते हैं. ये हमने शायद पहले बजाया है, लेकिन ये तो काफी पॉपुलर सॉन्ग है वैसे, लेकिन ये बहुत ही सुंदर गाना है. आजकल के मूवीज में मुद्रा खोटे वाली ये सब देखने को नहीं मिलता. हाँ, तो इट इज आवर लिंक टू द पास्ट इफ यू लाइक. और इसमें एक तबले का इतना बहुत खूबसूरत प्रयोग किया गया है, तो देखते हैं, सुनते हैं. Thank you.
गाने हैं, अरे इसमें तो एक एक शब्द जो है ना, वेल द म्यूजिक इज वेरी वेरी नॉर्थ ईस्टर्न, बहुत ही ट्राइबल म्यूजिक है, लेकिन है पिक्चराइज्ड ऑन अ मुजरा सिचुएशन. और जैसे कहते मैं जो मैं होती राजा बेला चुनरिया जो कुछ है, तो चमेलिया तो लिपट जाती तेरे बंगले पर, तो हर एक सिचुएशन के लिए उन्होंने ऐसे बोल लिखे हैं. इट फिट्स इन ब्यूटिफुली विथ द म्यूजिक. और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के, तड़का तो लगा रहे हैं लेकिन बहुत ही वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. तो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, देखिए हम अभी लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है, हो गया है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी खुल रहा है. वी हैव गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देयर इज अ प्रोपेंसिटी फॉर मिस इन्फॉर्मेशन. तो हमने ये सोचा कि हम वी विल टॉक टू द सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रुथ who can give us some credible information about what is actually on, what is not on. It's always best to hear जो इस फील्ड में है. तो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है रचना चित्रे ऑफ सारा हॉलीडेज. नमस्ते रचना जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, एकदम फर्स्ट क्लास. आपके अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं. अच्छा, थैंक यू. साथ में दिवाली की क्लीनिंग कर रहे हैं, फराल बना रहे हैं. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. नहीं नहीं नहीं, हमने ये सोचा कि जैसे आप हॉलीडे बिजनेस में हैं या ट्रैवल बिजनेस में हैं, तो आपसे थोड़ी सी गपचप कर लें, इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में बात कर लें. मुझे पता है कि आप अभी लास्ट वीक में भी शो पे आई थी, लेकिन ये सिचुएशन जो है ये फास्ट इवॉल्विंग, फास्ट इवॉल्विंग जैसे कहते हैं. तो नए कोई अपडेट्स हैं ट्रैवल के बारे में तो हम आपसे सुनना चाहेंगे, तो प्लीज़ ज़रा हमें बताएंगे आप. Yes, sure. First of all, एक तो थैंक यू मुझे फिर से बुलाने के लिए. एंड जैसे आपने कहा कि एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग, सो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगी शायद यू नो आफ्टर थ्री डेज इट विल बी डिफरेंट. ठीक है, बाद में वापस बुलाएंगे आपको. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. सो टुमारो इज फर्स्ट नवम्बर, तो जैसे आपको पता है कि फर्स्ट नवम्बर के बाद यू ऑस्ट्रेलियन सिटीजन PR and immediate family members, उनके लिए border open हो रहा है. And you do not require exemption. हम specifically India के बारे में बात कर रहे हैं, okay? This applies to other countries, but जैसे हम I think you would like to know more about India. जी 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 जी. तो India जाने के लिए अभी इन लोगों के लिए Australian citizens और PR के लिए exemption की जरूरत नहीं है कल से. You can just book a ticket, and but you have to follow कि वो destination India में जाने के बाद या on route जैसे आप जाते हो, कौन से airline से जाते हो, उनके जो rules है वो definitely follow करने पड़ते हैं. ज्यादा update मतलब ज्यादा चीजें हुई नहीं है ये हफ्ते में. It is just last week हमने जब बात की थी सब Middle East के airlines जा रहे थे, जैसे Qatar है, Emirates है. इस वीक में एयर इंडिया इज एडेड टू द लिस्ट. ओके, वेरी गुड. सो नाउ वी हैव फोर, ऑलमोस्ट फोर एयरलाइंस
which are Qatar, Emirates, Air India, and Qantas. Qantas jo December se chalne wali hai, which is going to be a direct flight. Jaise humne last time bhi kaha tha, after a decade, Qantas is flying to India, and it's going to be a Sydney-Delhi direct flight, but with a ground time of 1 hour 20 minutes at Darwin. Okay. And kafi log are excited to, and it's going a sold out flight almost. Wow, very good. Absolutely. Or the other airline, jaise ab kal ya parso hi news aayi hai, jo pehle 15 November tak ka DGCA ka ban tha India mein, that is now extended to 30th November. Whoa. So we, yes, so I think only the airlines which have a bubble agreement with India will be able to fly, which jisme Qatar, Emirates aati hai. So I think we have less chances, at least in November, to have Thai Airways, Malaysian and Singapore to join for November, unless you know, the air bubble is extended between these countries. Achha, okay. Iska matlab Singapore Airlines say you cannot travel till December at the moment. Yeah, I can't hear you. Thank you. So he's Mani is saying with Singapore Airlines you can't travel till December as of now. No, I'm talking only till November, because the November, okay, ban is extended till 30th November. So okay, unless, you know, there is an air bubble agreement or something. Okay. And fir hi kuch aayega, but abhi as such November ke liye agar aap puchoge to, ya December ke liye filhal koi flights. Hey, हाँ, तो basically you can't travel from Singapore onwards, you can travel up to Singapore. Up to Singapore, exactly. Okay. So Australian citizens can travel to, yep, Singapore. Okay. I think, okay, it's opening from 8th of November. Okay. Till Singapore, but आगे की जो connection है, जी, जो हम इंडिया के लिए बात जी, कर रहे हैं जी, 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 वो नहीं है. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है. लेकिन मेरा अनुमान है, और शायद आपका भी होगा, कि वी कुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फैक्ट दैट दिस विल ओपन इन टाइम्स टू कम. इट हैज टू ओपन. एब्सोल्युटली. हाँ, ये आज नहीं तो कल खुलना है ना, जैसे कहते हैं ना महाराष्ट्र राज्य लॉटरी का फल, आज नहीं तो कल. तो नहीं खुलना, देखो पॉजिटिव लग रहा है जस्ट नाउ इंडिया टू एक्सटेंड, यू नो इंडिया ने वो अगर वो निकाल दिया जी, जो इंटरनेशनल फ्लाइट बैन है, मेरे ख्याल से. हाँ, नहीं देखो अभी स्कॉट मॉरिसन, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आर मीटिंग और इन ग्लासगो और आल्सो प्रोबब्ली इन रोम. तो मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ गपशप हो सकती है, एंड दैट माइट हेल्प. तो वी कैन मीनवाइल नवंबर में जाने के लिए यू ऑलवेज हैव एमिरेट्स एंड एयर इंडिया. हाँ, कतार इज शोइंग. जी जी, अगर किसी को नवंबर में जाना है तो ये सब फ्लाइट फिलहाल शो कर रही है. जी जी जी, रिटर्न अवेलेबिलिटी. ओह ऑफ कोर्स, दैट इज आल्सो वेरी गुड. सो you can, yeah, fly in November and want to, if you want to come back in December, you can come back on Qatar or, absolutely, Emirates. So that is good. That is good. Nahin, thank you Rachana ji, aap aayi aur aapne humko thoda sa enlighten kiya, if I can say that. Aur shrota jin, I have thoda bahut agar ek minute mile to thoda, haan, of course, do cheez aur update. Ji ji, of course, please jaise humne last week bhi maine kaha tha ki travel exemption पेरेंट्स के लिए, बिकॉज पेरेंट्स आर नाउ कंसिडर्ड एज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, वो अगर आप उनको यहाँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हो तो आपको ट्रैवल एग्जेम्पशन उनके लिए बहुत जरूरी है. जी. अब ये काफी लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ट्रैवल एग्जेम्पशन ले लिया मतलब उनके पास वीजा नहीं है तो चल जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. यू नीड टू हैव अ ट्रैवल एग्जेम्पशन एंड अ वैलिड वीजा टू कम टू ऑस्ट्रेलिया. And the fantastic part is ki I have more than 10 clients jinhone last week travel exemption yahan se hi Australia se hi unke home affairs ke website se, and the parents did not have a visa, wo bhi apply kiya, aur turnaround time was 1 week ke andar exemption. Wow. And visa got approved. Excellent. So, yes. So things are moving. Things are moving. Absolutely. That's good. Things are moving. And so jaise hum kehte hai na, public servants are immovable or unstoppable. So we are immovable. So we are unstoppable. Sorry. So achhi baat hai. It's a very, very positive news. Yes. And when you're planning your international trip, I hope you are aware ki aapko aapki COVID-19 international certificate vaccination ka copy lena hai, which can be obtained through Medicare. It's a very simple process. Yep. You just go there, click on international COVID vaccination certificate. It is just validating your passport details, and immediately wo certificate aa jata hai. Achha. Aapko print karne ke liye. Theek. And it has a QR ka code which is getting validated by all the airlines when you travel. Excellent. और जैसे हम कल बात कर रहे थे कि आप इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट बनाने वाली हैं.
बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में आई एम प्लानिंग टू, जैसे मैंने रिपैट्रिएशन के लिए बनाया था, मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट एक्सेलेंट स्टेप कर रही हूँ, एक्सेलेंट, सो दैट इट विल हेल्प पीपल यू नो कि क्या है, और उसमें कंटिन्यूस अपडेट करती जाऊंगी. वेरी गुड. एक छोटी सी चीज एकदम सिंपल, इसमें सोच लीजिए कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाह रहे हो ऑस् ट्रेलिया से इंडिया, तो एक तो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट विद इन 72 आवर्स, विच मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इट इज 72 to 48 आवर्स, वो तो नेगेटिव रिपोर्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, योर वैलिड पासपोर्ट, योर वैलिड वीजा, एंड प्लीज हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस एंड विद द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. तो ये 5 चीजें गांठ मार लो, अगर किधर जाना है तो ये आप लेके जाओ. बैग पैक करो या ना करो, 30 किलो छोड़ दो, ये एक आधा किलो का डॉक्यूमेंटेशन रखो आपके पास. बिल्कुल बिल्कुल. चलो, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. होपफुली ये वीक कल से जब फ्लाइट शुरू होंगी एंड वी हैव क्लाइंट्स ट्रैवलिंग ऑन, सो वी विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ थिंग्स आर वर्किंग एक्चुअली इन. एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू थैंक यू, नो वरीज, थैंक यू रचना जी, आप आई और हमको थोड़ा सा इसके बारे में बताया. और अगर श्रोता आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट सारा हॉलीडेज एंड आई एम श्योर रचना विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. हमने आज एब्सोल्युटली थैंक यू वेरी मच अमोद जी एंड नहीं नो वरीज एनीटाइम मनपसंद की सारी टीम और आपके सारे व्यूअर्स को वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम सारा हॉलीडेज. Likewise. Have a very nice and a safe Diwali. Thank you. Take care. Thank you. Yeah, bye. Bye. हमने सचिन देव की बहुत सारी रचनाएं सुने, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं आज निभाई है ये अनोखी रचना है. अनोखी रचना है. और जैसे उन्होंने बताया था कि आपका जो ट्रैवल एग्जम्पशन और वीजा भट से मिल जाती है एक हफ्ते में फॉर पेरेंट्स, लेकिन देखिए एक लेटेस्ट न्यूज है कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं उनका OCI एंड उनका लॉन्ग टर्म वीजा कैंसिल कर किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स जिनका ट्रैवल एग्जेम्पशन लिया दे नहीं करते इंडिया एक्टिविटीज. आई डोंट थिंक एनीबॉडी आर इन दैट कैटेगरी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दादा बर्मन की और एक रचना सुनते हैं. रचना 1959 पिक्चर सुजाता, अगेन आशा भोसले जी की आवाज, बिकॉज ही हैड हिज डिफरेंसेस विद लता जी. चलिए ये गाना सुनते हैं, बहुत बहुत सुंदर गाना है सुजाता पिक्चर से. सुजाता के सारे गाने अच्छे हैं, फोन वाली गाना नहीं तो वो नहीं है, लेकिन ये गाना जलते हैं जिसके लिए वाला नहीं है, हम जलेंगे नहीं किसी के लिए, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, इट्स प्रोबब्ली कॉन्ट्रेरी टू द वेदर आउटसाइड, लेकिन चलिए सुनते हैं. इसमें बहुत सारा लंबा एक गैप है जिसमें वो खिड़की खोलने जाती है. काली घट छाय मोरा जिया तरसा, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए. काली घट छाय मोरा जिया तरसा, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए. बोलो किसका क्या झड़ क्या झड़ क्या जाए. काली घट छाय मोरा जिया तरसा. काली घट छाय मोरा जी
घटा चाय मोहा जी हाँ, ये कैमरा के वेदर में इतनी सी खाली घटाएं थी टिल लास्ट वीक, और अभी खाली घटा तो नहीं है लेकिन हवा चल रही बहुत तेज से कल दो तीन दिन से, और मेरे जैसे हे फीवर, क्रॉनिक हे फीवर सवरस के लिए इट्स बीन अ टेरिबल वीक, तो लग रहा है कि कुछ दिनों तक नाइट टाइम टेम्परेचर्स विल बी क्वाइट लो एंड समर की तो बात बहुत दूर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, सचिन देव बर्मन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी आर नाउ मूविंग इनटू द 60s फेज। जी हाँ, इस 60s फेज में उन्होंने बहुत सारे बहुत प्यारे गाने लाए हैं, जिस इज फ्रॉम जो हमने सुने थे फ्रॉम आवर डेज। देखिए बंबई का बाबू जैसे हम दोनों हैं, 1960 में तेरे घर के सामने, बंदिनी 1963 में, जिद्दी 1964 में, गाइड द एवरग्रीन एवर पॉपुलर 65, ज्वेल थीफ 67, आराधना Of course, 69. इनको ये सफल होगी तेरी आराधना के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1970 में, और ऐसे कहते हैं कि ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर देखने के बाद टॉम ऑल्टर वॉज इंस्पायर्ड टू बिकम एन एक्टर। अच्छा, तो ये इसकी लेगेसी है। मैंने पहले कहा था, मैं तीसरी बार चौथी बार कह रहा हूँ कि 57 में उनकी लता मंगेशकर के साथ अनबन हुई थी, लेकिन 61 में ही रिकनसाइल्ड, और दे रिकनसाइल्ड देयर डिफरेंसेस। और सो आई वुड से विद द फिंगर ऑफ सस्पेशन ऑलवेज पॉइंट ऑन लता जी, बिकॉज शी हैज ऑलवेज हैड अनबन्स विद क्वाइट अ फ्यू। हो गई है जो किसी से अनबन थाम ले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राहें अलग है, गाना है पता है आपको। लेकिन आई थिंक दे केम अराउंड, तो 63 में बंदिनी पिक्चर आई थी, और गुलजार साहब की पहली कॉम्पोजिशन ये बंदिनी पिक्चर के लिए लता जी की आवाज़ में, अगेन पिक्चराइज्ड ऑन द वेरी सिंपल वेरी डिम्योर नूतन। स्टोरी आपको पता है, शी इज इन जेल फॉर कमिटिंग मैन स्लॉटर। चलिए ये गाना सुनते हैं। छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे, मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग ले ले, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे, yeah।
क्या गाना है. यू कैन सी द बर्निंग टैलेंट्स ऑफ गुलजार साहब. And शायद आज के जो फेयर एंड लवली क्रीम्स हैं उनके लिए दिस गाना वुड बी क्वाइट एप्रोप्रिएट. नॉट रियली, दे वुड से कि मोरा गोरा अंगल है कि मुझे शाम रंग दई दे. नहीं नहीं, बट वही ना, शाम रंग होने के बाद फेयर एंड लवली यू कैन यूज. हां ओके ओके ओके. तो हम जैसे बात करते कि मेरे ख्याल से इट वॉज 60s एंड 70s में उनका भी इट कंटिन्यूड द गोल्डन पीरियड ऑफ सचिन दा बर्मन. एंड ऑफकोर्स ही रीच द पिनकल विद आराधना. And unki jo aradhana safal hui, and I'm surprised ke us I think he got the award for that movie, not for that particular song, because I would say ki us movie ke they just changed the whole contours of the Hindi film industry with the music and with the new superstar heroine in the form of Rajesh Khanna. To aage badhte hain, guide picture ki humne baat ki thi. Guide picture of course was again लैंडमार्क मूवी वहीदा रहमान देव आनंद. ये गाइड पता है आपको 65 में इंग्लिश में भी बनी थी. इट वाज क्वाइट गुड. आई मीन द इंग्लिश ऑफ देवानंद की जो एक्सेंट एंड ऑल वाज वेरी गुड. इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन सम नॉवल आई बिलीव. आर के नारायण की ना. और ये गाना जो हम बजाने जा रहे हैं अगेन थोड़ा सा रागदारी है, झंझोटी में है, लेकिन वो छोड़िए झंझोटी है कि मोहन चोटी है जो भी है. कहने की बात है इसमें जो तबला बजाया है इट इज प्लेड बाय द संतूर माइस्ट्रो पंडित शिव कुमार शर्मा. हाँ, बिकॉज पंडित शिव कुमार शर्मा इज एन अकम्प्लिश्ड तबला प्लेयर. अच्छा. उनके फादर पंडित उमादत्त शर्मा ने उनको तबला सिखाया था बिकॉज ही वॉज अ तबला प्लेयर. ओके. तो इस गाने में जो है थोड़ी सी झलक सुनते हैं गाइड पिक्चर से. चलिए इसका आनंद लेते हैं. हमने ये गाना पहले बजाया है लेकिन यू नो वी कांट ऑलवेज बी प्लेइंग साइड बीज, थोड़ा साइड एज भी बजाना चाहिए. तो चलिए ये गाना सुनते हैं. होपफुली पीपल विल लाइक इट. और इस गाने में स्टार्टिंग में ही इट्स देयर वाज अ लॉट ऑफ दिस डांस म्यूजिक और तबला. And of course, Wahida Rahman is very much an element in this. Of course, dancing in this. Yeah. सारे गाने इतने पॉपुलर हैं लेकिन आपने ये जो गाना सुनाया था नॉट इट्स नॉट वन ऑफ द नंबर वन हिट ऑफ गाइड. लेकिन इसमें जो द क्लासिकल एलिमेंट्स हैं इट्स ऑल कम टुगेदर एंड ऑफ कोर्स व्हिच इज व्हाई गाइड नॉट ओनली फॉर इट्स एक्टिंग एंड इट्स म्यूजिक बट ऑल्सो फॉर द क्लासिकल एलिमेंट्स एंड द जनरल टेनर ऑफ द मूवी. The story itself it is not misguided. It was quite a different movie.
और जैसे हमने बताया कि 70s में ही ऑफ कोर्स अचीव्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, जितने भी गाने फिल्म्स थे, तेरे मेरे सपने, अभिमान ऑफ कोर्स, अरे द म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंसा, बहुत सारे मिली जैसे विद द अराइवल ऑफ अदर एलिमेंट्स, अदर एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन एंड जया बहादुरी. सो लेकिन तेरे मेरे सपने अगेन बेस्ड ऑन एजे क्रोनन्स, जी हां, द सिटाडेल, द सिटाडेल, अभिमान, प्रेम नगर, सगीना, मिली, शर्मिली, प्रेम नगर, चुपके चुपके, इतने सारे थे. लेकिन एक गाना और है जो मैं जस्ट थोड़ी उनकी जो फोक म्यूजिक का नमूना है आराधना पिक्चर से शर्मिला टैगोर पे फिल्माया गया है, वो उसकी थोड़ी सी झलक सुनते हैं. सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए चाहे जो होए. दैट इज मोर लाइक सचिन देव बर्मन का. ऑफ कोर्स वी लीड द माइक क्वाइट ऑफन बहुत सारे मूवीज में, एंड उनका जो आवाज था काफी यूनिक, वेरी वेरी यूनिक, पतली सी आवाज थी. हाँ. और ये देखो टिपिकल बोटमन बंगाल का है, उसकी आवाज है. फ्लूट देखिए पीछे कितना फोक, इसमें एक रस्टिक एलिमेंट है. काहे करो है चाहे जो है, सफल होगी तेरी आराधना. चलिए सुनते हैं गाना, बात भी करते हैं उसमें, कोई नहीं. इस गाने के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड मिला. जी जी, देखिए कितना सिंपल म्यूजिक है. चाहे जो हो सफल होगी तेरी आराधना, आहे को रोए चाहे जो हो सफल होगी तेरी आराधना. हम इस रोने के साथ क्यों? नहीं नहीं नहीं, काहे को रोए, बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने, ये मोती आंखों की है पूंजी, ये ना खोए, काहे को रोए. सो डोंट क्राई, ह्यूमन बींग्स आर मेड फॉर एवरलास्टिंग हैप्पीनेस. तो यू नो यही सीख है, हम होंगे कामयाब या काहे को रोए. तो ये पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, ऑलबियट कॉशियस ऑप्टिमिज्म है. लॉकडाउन खुल रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में अभी इतना कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन वी ऑलवेज ट्राई टू प्रोपगेट ऑप्टिमिज्म बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. और ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, आई वांट यू टू फिनिश विद वन मोर सॉन्ग फ्रॉम अभिमान, नहीं फ्रॉम तेरे मेरे सपने, जो मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है. और जैसे आपने कहा इट्स अबाउट गोइंग आउट, एंजॉयिंग द आउटडोर्स, तो इस गाने का जो है इसमें देवानंद और मुमताज एक साइकिल पे जा रहे हैं, एंड इट्स इसमें मुमताज लुक्स एब्सोल्युटली जस्ट स्ट्राइकिंग मेरे ख्याल से, और डिम्योर एंड कॉय एंड टिपिकल डस्की डो आई डू व्हाट यू कॉल, नो ओके, टिपिकल जैसे कहते हैं ना, टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ, गोइंग ऑन अ साइकिल, डबल्स आगे बैठ के, एंड आई एम श्योर डबल सीट नहीं है बाय द वे, देयर इज नो सीट, सीट नहीं, वो बार पे हैंडल बार पे, वो जो हैंडल बार नहीं, हैंडल बार नहीं, व्हाट इज इट कॉल्ड, फ्रेम, उसके फ्रेम पे बैठ के, जो उसमें भी एक सीट होती थी पहले, हां बच्चों के लिए होती थी. देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना. आज ऑफ कोर्स पीपल टॉक अबाउट गोइंग थ्रू द BMWs एंड द व्हाटएवर मोटरसाइकिल्स, लेकिन पहले सिंपल साइकिल पे चलते थे, या उसके पहले बैलगाड़ी में चलते थे, यानी तो पैदल चलते थे. अभी BMW में जिम में जाके वहाँ पे साइकिल, हाँ हाँ वही वही वही, सो वही है ना कि यू गो इन टू BMW वहाँ पे सेट सेट आउट कर लो फिर वापस. तो ये गाना तेरे मेरे सपने का. लेकिन अभिमान पिक्चर के बारे में एक थोड़ा सा फैक्ट बता दूं कि ये इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर एक्ट्रेस बिंदु, जो तब तक उन्होंने थोड़ा वैम्पिश रोल किए थे, बट इट वॉज सिंपथेटिक कैरेक्टर इन दिस मूवी. और ये पिक्चर जो है श्रीलंका में बहुत पॉपुलर हुई थी, और हाँ हाँ, और मोहम्मद रफ़ी साहब इज़ वेरी पॉपुलर इन श्रीलंका, ऑफकोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट श्रीलंका में तो एम्पायर सिनेमा है, जैसे मुंबई में भी है एम्पायर, कोलम्बो में 590 days ये पिक्चर चली वहाँ पर. और एक फन फैक्ट है कि जया भादुरी जी के लिए एक ही प्लेबैक है लता जी का, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब के लिए 3 playbacks हैं, मनहर उदास, किशोर कुमार और रफी. रफी. तो चलिए ये गाना सुनते हैं तेरे मेरे सपने का, ये जो आपको बहुत पसंद है और सबको पसंद होना चाहिए, चलिए सुनते हैं. हे मैंने कसम ली, हे तूने
सामने नहीं होंगे जुदा हम श्रोता आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और जैसे हमने बताया था कि इस गाने में एक साइकिलिंग की एक दिखाया जा यू आर शोन द देवानंद एंड मुमताज ऑन अ बाईसाइकिल प्रमोटिंग गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ प्रमोशन के लिए कि आपको बता दें कि नवंबर द सेकेंड इज आयुर्वेदा डे। जी हाँ, आयुर्वेदा डे। और इस बार इस अवसर पर हमारे भारतीय हाई कमीशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रेजेंट कर रहे हैं एक थीम प्रोग्राम कॉल आयुर्वेदा फॉर पोषण। आयुर्वेदा फॉर पोषण तो 2 नवंबर को शाम के 4 बजे से 5:30 बजे तक इसका एक ऑनलाइन आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आयुर्वेदा डे इज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स कंसिडरिंग द इमेंस पोटेंशियल ऑफ आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन वर्किंग टूवर्ड्स बिल्डिंग इम्यूनिटी रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड मोर्टेलिटी। एंड ऑफकोर्स इस कोविड टाइम में वॉट बेटर दैन गोइंग बैक टू द रूट्स ऑफ आवर ओन होम ग्रोन आयुर्वेदा। तो नवंबर 2 को 4 से 5:30 बजे इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर संतोष यादव on 0410-914-987 or email on ayushinformationcell@gmail.com ayushinformationcell@gmail.com। और आगे बढ़ते हैं, we take a break from Sachinda but we are staying in Bengal. We will come to Bengal in just a while but I want to also mention कि 24 अक्टूबर 1945 going back in time second world war 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है यूनाइटेड नेशंस उसका चार्टर फोर्स में आया था। सो यूनाइटेड नेशंस इज अबाउट यूनाइटिंग नेशंस आई वुड इमेजिन व्हिच इज रेयरली द केस। थैंक यू, मेरे को पता नहीं था। ओके, व्हिच इज रेयरली द केस बट दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड। एक सिनिकल बात है कि ऑल द नेशंस दैट हैव द वर्ड यूनाइटेड इन फ्रंट ऑफ इट आरंट एक्चुअली यूनाइटेड बट यूनाइटेड नेशंस का चार्टर यही था कि संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में बात करें तो 1970 में रेफ्यूजीज़ के ऊपर एक गाना बना था अंग्रेज़ी में जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। और ये गाने की जो धुन है वो एक हिंदी गाने पे है, वो राग शिवरंजनी है, करुण रस का राग है, मुझे पता है। लेकिन कहने की बात यह है कि राग इज़ वन थिंग एक्स्ट्रा फॉर एक्सपर्ट्स, लेकिन साउंड ऑफ द म्यूज़िक। तो रफ़ी साहब ने यह गाना अंग्रेज़ी में गाया था अबाउट रेफ्यूजीज बट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी कि हम सब एक हैं। वी मे बी सेम बट डिफरेंट बट वी आर स्टिल द सेम।
We are human beings to begin with and to finish with. Hmm. Or beech mein jo hai, we are whatever religion we ascribe to, whatever faith, whatever thinking, temperament, all those things. Okay, lekin okay. We are human beings. तो फिलोसॉफी छोड़िए, तो ये गाना एक थोड़ा सा उसकी झलक सुनते हैं, अंग्रेजी में है लेकिन रफी साहब की आवाज में है। Although we hail from different lands, we share one earth and sky and sand. Remember, friends, the world is one. Although we hail from different lands, we share one earth and sky and sand. Remember, friends, the world is one. I will call it a very valiant attempt. But true nonetheless, timeless and you know, relevant in today's times too. Yeah, although we come from different lands, we share the earth and sky and sun. Remember, friends, we are, the world is one. The United Nations has done quite a few things about, yes, conscripted one is, the, one is it has got Rafi to sing in English and dusra MS Subbulakshmi also to sing in English. So mere khayal se they might be promoting world peace with these songs, but my personal peace is quite disturbed by listening. I think they, everyone should sing, stick to their own शिवरंजनी में है, लेकिन वही आई वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट द फैक्ट दैट रफी साहब सिंग इन इंग्लिश एंड यूनाइटेड नेशंस की एनिवर्सरी है, चार्टर जब फोर्स में आया था। तो चलिए वी कम बैक टू बंगाल और अब हम बात करेंगे प्रबोध चंद्र दे, मन्ना दे, मन्ना दे साहब जो हैं, अभी उनके बारे में क्या कहा जाए। मन्ना दे साहब क्लासिकली ट्रेंड थे उनके अंकल से केसी डे, कृष्ण चंद्र दे, जो नैनहीन थे। और धरती माता पिक्चर में उन्होंने गाना गाया था, दुनिया रंग रंगीली बाबा। तो वो जो द ब्लाइंड पर्सन, हाँ, तो उनसे सीखा था। ऑफकोर्स ही वॉज क्लासिकली ट्रेंड और भिंडी बाजार घराना है, जैसे किराना घराना है, आगरा घराना है, इंदौर घराना है, जयपुर भिंडी बाजार घराना भी है, उस्ताद अमान अली के जिन्होंने स्थापित किया था या उसके जो प्रोपोनेंट हैं, तो उनसे सीखा था उन्होंने ये गाना, अब सॉरी गाना जनरली। लेकिन हम जो भी गाना बजाने जा रहे हैं ये 1961 से है, पिया मिलन की आस, हमने कभी गाना बजाया नहीं है। और इसमें खास बात यह है कि ही योडल्स, और योडलिंग के किंग थे किशोर कुमार, लेकिन मन्ना डे साहब ने भी ये किया है। और ये गाना सुनने लायक है, हमने कभी सुना नहीं है। इसमें ऐसा है कि संडे की मौज मनाओ, मंडे को मारो गोली। हाँ, तो चलिए संडे की मौज मनाते हैं, पिया मिलन की आस। तो ये थैंक गॉड इस फ्राइडे से बहुत बहुत पहले, जी जी जी, मन्ना डे इज पायनियर्ड द, हाँ, 60s, बिफोर आई वाज बोर्न। आई डोंट नो इफ यू आर बोर्न, आई डोंट वांट टू गो देयर, बट चलिए पिकनिक का गाना है, थोड़ा सा झूम लेते हैं। ऑफ कोर्स विद दिस पोस्ट कोविड फ्रीडम डे एंड पिकनिक्स ऑल हैपनिंग। पिकनिक में टिक टिक करती, पिकनिक में टिक टिक करती, झूमे मस्तों की टोली, संडे की मौज मना लो, मंडे को मारो गोली, मंडे को मारो गोली गोली। पिकनिक में टिक टिक करती, झूमे मस्तों की टोली, संडे की मौज मना लो, मंडे को मारो गोली। Thank you.
Inspired by Kishore at that time, लेकिन not only ये गाना देखें तो पूरा rock and roll का पूरा एक ये लेके आए हैं इसमें. Of course, it was rock and roll was the era of the early 60s. So even the great Manade was not immune to the effects of that era. लेकिन उनके जितने भी गाने थे मोस्टली वेरी वेरी क्लासिकल और सेमी क्लासिकल बेस्ड. और आपने आज बहुत जितने ऐसे गाने लाए हैं which are all classical or semi-classical based, लेकिन जिसको हमने सुना नहीं ज़्यादा उतना. तो अगला गाना जो आप ला रहे हैं, अगला गाना जाने से पहले कहूँगा कि इन्होंने मनाडे ने about 90-95% of playback for राज कपूर साहब दिया था. अच्छा. लेकिन फादर एंड सन दोनों के लिए, रणधीर कपूर के लिए भी दिया था, ऋषि कपूर के भी दिया था, जमाने को दिखाना है हमें. अच्छा. बट 1940s में ऑफकोर्स एज कंटेम्प्रेरीज विद एस डी बर्मन साहब. 49 में पहला ड्यूएट लता मंगेशकर के साथ उन्होंने गाया था फॉर द पिक्चर नर्सिंग अवतार. और और 51 में पहला ड्यूएट विद किशोर कुमार फॉर द फिल्म आंदोलन. ओके. एंड हैज वर्क्ड विद यू नो बेवी ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, नौशाद साहब, अनिल बिस्वा, जो अभी हम गाना सुनने जा रहे हैं हमदर्द पिक्चर का 1953 से. ये प्योरली क्लासिकल है. हाँ, काफी एक राग मालिका है. हाँ, राग मालिका है. तो वो भी एक उसमें भी एक आनंद है. यू नो मे बी आई मे बी लेबल्ड एज प्लेइंग टू मेनी राग मालिकास, बट दैट मे बी सो दैट्स फाइन. जब मैं कहता हूँ कि जो गाना जो है सुरों से बनता है, राग में सुर होते हैं, और जो सुर से नहीं बनता वो बेसुरा होता है. तो चलिए ये गाना का थोड़ा सा आनंद लेते हैं प्रॉब्ली कपल ऑफ मिनट्स. और इसमें बहुत सारे जैसे राग हैं, सारंग है, मल्हार है, जोगिया है जी. तो चलती है, सुनते हैं ये गाना. और इसमें मैंने सुना कि पन्नालाल घोष साहब ने कुछ म्यूजिक दिया है. आइए पन्नालाल घोष साहब. जेठ महीना दिया घबराए, पल पल सूरज आग लगाए. जेठ महीना सूरज आग लगाए, तुझे बिरहाग न जलाए. करूँ मैं कौन उपाय, करूँ मैं कौन उपाय. रिपु जाए सती मन के बीत नाए, रिपु आए. बरफारी तुबैरी हमार, बरफारी तुबैरी हमार. जैसे सासुर नदिया बरफारी तुबैरी हमार, बरफारी तुबैरी हमार. पितर धन जियारा कर से पकियन थे नित सावन बरस. पीतर सन को जियारा कर से अब
बाकी लोगों ने भी इसका मजा लिया होगा. तो राग मालिका थी, जैसे आपने कहा कि सारंग से शुरू होके बसंत में खत्म होती, हमने पुरानी बजाया, लेकिन जिनको सुनना है वो दे कैन गो एंड लिसन टू इट. सारंग मल्हार आपका विवाल्दी का फोर सीजन जैसा इसमें. जी 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 जी, ऋतु आए ऋतु जाए, सखीरी बरखा ऋतु वैरी हमार, मल्हार का है, फिर जोगिया में है, और उसके बाद बसंत राग में होता है. जैसे मैंने कहा कि ये भिंडी बाजार घराने में के नहीं, वो भिंडी बाजार जगह है आपको पता है मुंबई में, उस्ताद अमान अली खान के से सीखा था. काफ़ी सारे म्यूजिक डायरेक्टर लोगों के साथ उन्होंने काम किया था, तो उनके बारे में और क्या कहें मन्ना डे के बारे में. राज कपूर साहब के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्लेबैक दिया था. राज कपूर, क्योंकि राज कपूर की जो आवाज़ है इट यूज़ टू काइंड ऑफ मैच द सॉर्ट ऑफ द वॉइस ऑफ मन्ना डे. और वैसे मन्ना डे ने बहुत सारे एक्चुअली इज ऑल्सो नोन इन द वेरी वेल नोन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. आपको पता है कि चेम्मीन जो एक बहुत बड़ी मूवी थी, अवार्ड विनिंग मूवी थी, और उसमें उन्होंने गाना भी गाया था मलयालम में. और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिज लिंक्स विद सलील चौधरी, क्योंकि सलील चौधरी यूज टू एम्प्लॉय मन्ना डे टू सिंग इन मलयालम मूवीज एज वेल. लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी भाषा में, एज यू नो, मराठी में भी है, भोजपुरी में, हिंदी में तो है ही, कन्नड़ा, मलयालम, नेपाली, सिंधी, गुजराती, ओडिया, कुंकणी, पंजाबी, एसमीज, काफ़ी सारी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए थे. तो कमिंग टू सेवेंटीज, एक पिक्चर आई थी बुढ़ा मिल गया, जैसे हम दोनों दूसरे को मिले, मोर लाइक बुढ़े मिल गए. बट ये अगेन वर्किंग विथ मच यंगर पर्सन, आर डी बर्मन. आर डी बर्मन का म्यूजिक था इस पिक्चर के लिए, बुढ़ा मिल गया के लिए. और इसमें जो हीरोइन थी मेरे ख्याल से वन हिट वंडर थी, अर्चना. अब मैंने कभी इनको दूसरी पिक्चर में देखा नहीं, जो नवीन निश्चित के साथ गाना था ना, रात के लिए ख्वाब में आई, तो ये गाना फिल्माया गया है ओम प्रकाश साहब पर. What? हाँ, अगेन क्लासिकल बेस्ड राग खमाज, विच वॉज अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी फेवरेट राग ऑफ आर डी बर्मन. तो उसकी थोड़ी सी एक झलक सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. थोड़ी सी श्रोता अगर फोन करना चाहे, फोन चल रहा है, फोन बज रहा है, चल नहीं रहा है, बज रहा है, तो अगर फोन करना चाहे तो 6287-4348 पर फोन करें. बावजूद इसकी कि तकनीकी खराबी थी, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू गेट यू व्हाट वी वांटेड टू डू, एंड आई थिंक वी मे बी अबाउट 75-80% सक्सेसफुल, विच इज नॉट बैड कंसिडरिंग. फोन करके ये नहीं बताने की हमारे प्रोग्राम अच्छा चल रहा है कि आपको पसंद आ रहा है, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट. हमको सिर्फ टच करना है कि फोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है. चलिए ये पहले गाना सुनते हैं. और ये काफी मैं बता दें कि ये काफी ट्रेन्स में जो चलते हैं ना. हाँ. कहां से घन शाम रहना बिताई किस धाम, रहना बिताई किस धाम, हाय राम आयो कहाँ से घन शाम, हाय राम आयो कहाँ से घन शाम, आयो कहाँ से घन शाम, कहाँ से घन शाम, आयो कहाँ से घन शाम, आयो कहाँ से घन शाम. सज धज तुम दी का कहो रसिया, धनी दादा धनी दादा मद पग पमारे मग मग सन्य सन्य धनी सग मग सग म पनि ग म पनि सग म ग धनी ने प म ग स प. सज धज तुम दी का कहो रसिया, ऐसे लगे तेरे आँखों में बसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, जैसे कटा दी लिया थाम, हाय राम जैसे कटा दी लिया थाम, हाय राम आयो कहाँ से घन शाम, कहाँ से घन शाम. जी हाँ,
इसी स्टूडियो में बैठ के हमने बात की थी अबाउट कि द ओनली लिंक इन द पास्ट वी स्टिल हैड मन्नाडे विद अस, दिस वाज बैक इन 2012 और समथिंग, लेकिन 24th October 2013 मन्नाडे हम सबसे विदा होकर के चले गए टू द ग्रेट नेवर नेवर इन दिस स्काई. और एक्चुअली बातें करें कि द लेटेस्ट इज कल दो तीन पहले सुना था कि कनाडा में एक सुपरस्टार ऑफकोर्स डॉक्टर राजकुमार अन्नवरू कहते हैं उनका, बंगर्द मनुष्य कहते हैं उनका बेटा जो पुनीत राजकुमार, ही जस्ट कोलैप्स्ड एंड डाइड एट द एज ऑफ 46 व्हाइल वर्किंग आउट इन द जिम. तो इट्स अ बिग इशू, हेल्थ इशू जो है कि क्रॉनिक हार्ट डिसीज इन इंडिया फॉर द यंगर जनरेशन. तो अगेन एज आई सेड इट्स 2nd November इज आयुर्वेद डे, तो प्लीज गेट बैक टू बेसिक्स एंड जस्ट लर्न हाउ टू बी फिट एंड सॉर्ट ऑफ कीप योरसेल्फ गोइंग फॉरएवर एंड एवर. ओवर एक्सरसाइजिंग इज ऑल्सो a risk factor. So exercise is correct, but over exercising, again, we don't want to speculate as to what might have happened, but it is most unfortunate, most sad. But we are talking here about those older, from the older generation, the previous generation who lived long lives, like Sachin Burman, like Mannade. Abhi aage jo baat kar rahe hain, he was also a pioneer. He was a pioneer, but before we go to that, I'd like to play this last song from मन्नाडे साहब, फ्रॉम तीसरी कसम. फणीश्वर नाथ रेणु के जो लेखक थे, उनकी हीरामन कैरेक्टर जो बनाया गया राज कपूर का इस फिल्म में, फणीश्वर नाथ रेणु जो बिहार के लेखक थे, मेरे ख्याल से बिहार के थे, अच्छा, लेकिन लेखक थे, उनकी नॉवल पे ये पिक्चर बनाई गई तीसरी कसम. अच्छा, लेकिन ये बहुत सुंदर गाना है और चलते चलते ये गाना सुनते हैं. और इस गाने में राज कपूर इज नॉट द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ सिंगिंग दिस सॉन्ग, वो तो बैठ के बस सुन ही रहे हैं. राज कपूर इज द बुलक कार्ट ड्राइवर कॉल हीरामन. अच्छा अच्छा, तो चलिए सुनते हैं. चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली दुनिया, चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली दुनिया, चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली दुनिया, चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली दुनिया. Even before Taike Panaras Wala, this is the one that said the Tanakh was the Eastern Beauty and the Bihar Wali Yoga. Jai Jai. Ul ul bai ki halwaiya to kanya, ul ul bai ki halwaiya re mama, ul ul bai ki halwaiya to kanya, are barfi ke sab ras le liya re pindre wale muniya, barfi ke sab ras le liya re pindre wale. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट फेमस डायरेक्टर हु पास्ड अवे ऑन 30th October 1990. अगेन अनदर पायनियर इन हिज फील्ड. और उन्होंने जो काम किया है इन सोशल रिफॉर्मेशन थ्रू हिज मूवीज, थ्रू द म्यूजिक, आई थिंक इट्स समथिंग क्वाइट समथिंग अजीबो गरीब है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन द ग्रेट वी शांताराम. उनके जितने भी मूवीज थे, ऑफकोर्स ही हैड अ टेंडेंसी टू fall in love with his own heroines. लेकिन जितने भी मूवीज उन्होंने बनाए उसके, अभी जैसे बात करें, एक मूवी आई थी, आपको पता है कि नौ दो गया, क्या बात करें, मैं हम टॉकिंग अबाउट दुआ के बारह हाथ, दुआ के बारह हाथ, इट्स अबाउट प्रिजन रिफॉर्मेशन. जी जी जी. अभी मैंने कुछ दिनों, दो तीन दिन पहले पढ़ा था कि लॉट ऑफ प्रिजनर्स आउट देयर इन द हु आर देयर इन द इनकार्सरेटेड इन जेल आर एक्चुअली डूइंग PhDs. ऑफ कोर्स दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम productively, constructively. When you make a mistake, it's because something just happens at that moment. It's just like committing suicide. Why? It just something clicks. It's a product of circumstances. Of course, we are not justifying it. But कहने की बात ये है कि prison reform के बारे में बात करें तो हमारी किरण बेदी थी. She was Inspector General of Prisons. She introduced some genuine reforms to reform those people mentally. उनको productive काम में लगाया जाए. जैसे संजय दत्त थे यरोडा जेल में. वो पेपर बास्केट्स वगैरह बनाते थे, उनको 20 या 30 पैसे मिलते थे एक बास्केट के बनाने के. और वो जितने साल वहाँ पे थे, उसकी पूरी कमाई को 300-400 रुपए थी उनकी. वो कहते हैं कि वो कमाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है. तो ऑब्वियसली देयर इज सम रिफॉर्मेशन दैट हैज हैपेंड, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भटक जाते हैं. लेकिन प्रिजन का काम ये नहीं है कि टू मेक देम अनफिट फॉर सोसाइटी.
इट इज़ टू बेसिकली रिहेबिलिटेट देम एंड मेक देम फिट फॉर सोसाइटी. ये बहुत गलत एक फहमी है कि प्रिजन में डाल दो काल कोठरी में. नहीं, दैट्स नॉट व्हाट इट इज. शो यू देयर इज अ पार्ट ऑफ यू दैट हैज नॉट बीन दैट हार्नेस्ड. एग्जैक्टली, यू हैव पोटेंशियल दैट इज अनटैप्ड. तो ये एक बात है. मैं अल्टीमेटली वी आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन माइंड, तो आपको पता है. तो विदाउट गेटिंग टू फिलोसॉफिकल, अन्ना साहब या वी शांताराम बापू की हम बात करेंगे, जिनकी एनिवर्सरी कल थी 30th October. 3 बत्ती 4 रास्ता 1953 में पिक्चर आई थी. अगेन अन्ना साहब, शांताराम बापू वॉज अगेन अ पायनियर ऑफ सिनेमा लाइक दादा साहेब फाल्के, टू रियलाइज दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज. सिनेमा एडवर्टाइजिंग इसको कहते हैं, या सिनेमा से कोई सोशल मैसेज पास करना. तो इट वॉज वेरी वेरी पावरफुल. सो एडवोकेट ह्यूमनिज्म ऑन द वन हैंड एंड एक्सपोज बिगेट्री एंड हेट्रेड एंड रिलीजियस ज़ेलट्स ऑन द अदर. जैसे आदमी पिक्चर था, मानुस पिक्चर वॉज मेड इन मराठी, उसकी हिंदी में आदमी बनाया था. तो वो पिक्चर देख के चार्ली चैपलिन ने उनको सराहा था. सो इट इज अ टेस्टमेंट टू हिज क्रिएटिव माइंड. बट ये पिक्चर जो है 3 बत्ती 4 रास्ता, इसमें there's a man who has got 6 sons or 5 sons, married to 5 girls from 5 different states. तो उसके ऊपर जो कॉमेडी होती है घर में because of language. अच्छा. Language is a barrier, but it is also not a barrier because the language of love is universal. You're going back to philosophy. No, but it is a truth. It is a truth. All you need is love. आंखों से बात करो. तो नहीं, मतलब कान से सुनो लेकिन. चलिए ये पहला गाना सुनते हैं. ये गाने का नाम है ओरे ओ पुरोनो बंधुरे. इट स्टार्ट्स विद बंगाली और काफी सारे इसमें तमिल है, सिंधी है, मराठी, गुजराती, बनारसी ऑफ कोर्स एंड पंजाबी. संग बाय लता जी, आशा जी, जोरा बाई अंबाले वाली, संध्या मुखर्जी और अ वेरी अननोन पर्सन एस बलबीर. आई होप बलबीर डिडंट सिंग द तमिल पार्ट. विल सी. ओरे ओ पोरन बंधुरे, आगे जान ले तोर प्रेमेर पादे पड़तम ना. ओरे ओ पोरन बंधुरे, आगे जान ले तोर प्रेमेर पादे पड़तम ना. मगर हमारे दक्षिण के कन्नड़ के संगीत में कुछ और ही बात है. हल्ली कुळतरे अन्नी पोळुरिने अन्बवरवुं केटे आत्मिक काटिरिंदेन आशिकरंगल. हमारे सिंधी गाने की दिलकशी की क्या कहने. और हमारे मराठी लावणी के संगीत की तो कुछ न पूछो.
सकूं ये तेरे शिवने सुन, तुला सकूं ये तेरे शिवने सुन, कहो छेड़ी ताऊ, कहो छेड़ी ताऊ काज हासन हासन, तुला सकूं ये तेरे शिवने सुन, ले वाहू की पदर सावरू, ते हासु हो की You brought an abrupt stop to national integration. Maam, ban raha tha national integration or national disintegration? Integration and derivation. Nahi. Aisa hai ki, it's a song is quite long. We don't have that much time now. But national integration is what Shantaram Bapu karna chahate the. Teen batti cha rasta. Aur aapko pata hai ki Mumbai mein Malabar Hill ek jagah hai. Very posh locality. Wahan pe teen batti abhi bhi hai. तीन बत्ती मतलब देर एक्चुअली थ्री लाइट्स. अच्छा. वो गैस लाइट होती थी तभी. अच्छा. शाम को आके वो गैस लाइट जलाते थे तो तीन बत्ती चार रास्ता कि ये कि तीन बत्ती है लेकिन चार दिशाएं हैं. तो क्या होता है कि जब आप यू गेट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इनटू द वन हाउस होल्ड, लैंग्वेज के बैरियर से, खाने के ऊपर से, आपकी जो पद्धति होती है, तो ये एक सोशल टॉपिक था उस जमाने में. मेरे ख्याल से अब भी हो गई है. तो ये हमारा माइंडसेट है. So, as I said, you are in a fight with your mind always. So, you know, you are a prisoner of your own mind because you are your best friend and also your worst enemy. We need to call upon Rafi Saab to call, although we come from different lands. No, we may come from different lands, but we come from one planet Earth. Achha. So, that is what it is. देखिए समय भी अभी टिक-टिक रही है, तो अब हमारे पास सिर्फ चार मिनट बाकी हैं. तो क्या है कि एक बहुत प्यारा सा गाना, एक शांताराम जी का एक मूवीज दुआ के बारात से. Of course, we know about the very famous song, but this song is absolutely lovely. Lovely and uplifting. Uplifting, and I remember in our school times, we used to have this song playing in the background and we used to really love it. उसका जो beat है. जी. मेरे पास हमारे पास की record थी और ये हमारे लिए घर पे बजाते थे जब मैं छोटा था तब. हाँ हाँ. क्योंकि इसमें एक संदेश भी, एक तो बीट है लेकिन हाँ. संदेश भी है. संदेश तो कभी सुने नहीं हम जी बचपन में. सुनिए संदेश इसका. लेकिन अगेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कॉजेस, यूजिंग सिनेमा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेकनिंग. दुआ के बार, ऑफ कोर्स अगेन भरत व्यास जी के लिरिक्स ठेठ हिंदी में, हिंदी ओनली, प्योर ओनली प्योर हिंदी. उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, काले काले बदला को छाई रे घटा, बादल को चीर बरसा है नीर, धरती जल से मांग भरे. मेटाफोरिकल जस्टिपोजिशंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. चलिए ये गाना सुनते हैं. दर्शक श्रोताओं को बता देते हैं कि ये गाना सुनते सुनते टेक्निकल डिफिकल्टीज, बट वी ट्राई टू मैनेज as best as we could in keeping with the true infallible human spirit. Chaliye sunte hain gaana tak tak dum dum karke tak tak dum dum. प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बनके मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना, तक तक धुन धुन, 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 तक तक धुन धुन. रात अंधियारी हो, गिरी घटाएं तारी हो, बैठोगे ना तो क्या करोगे?
Hello everyone, I'm Sukhvinder from Jalandhar, Punjab. And kaise ho aap sab? Jaise ki hum sab jante hain, hamare favorite radio station Radio Manpasand ne aaj 15 saal complete kar liye hain. Happy birthday Radio Manpasand. So meri taraf se Radio Manpasand aur puri team ko hardik shubhkamnaye. Mujhe proud hai ki main bhi is team ka hissa hoon aur hamare sare team bahut acha kaam kar rahi hai. Bhagwan se yahi prarthna hai ki sab acha kaam karte rahe aur sabko aise hi entertain karte rahe. एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे रेडियो मनपसंद, लगे रहो तड़का लगा के, बाय बाय. You're listening to the Radio Manpasand. Namaskar, 24-hour Radio Manpasand Parivar, Sukhinder Sagu ki taraf se, सभी आरजेस को रेडियो मनपसंद के जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं. इस महामारी के दौर में आज जो रेडियो का महत्व है, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन, उसको आप बाखूबी निभा रहे हैं. मैं आप सभी आरजेस की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करता हूं. इसी तरह लगे रहिए, तड़का लगाते रहिए और हमारा मनोरंजन करते रहिए. धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू. तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो. मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो. एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो. मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो. एहसान तेरा हो गा मुझ पर.